अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं पहुंचते हो गया हूँ लेट यहाँ पे, और इब्रार और उबैर जो है ना वो मेरे से भी ज़्यादा लेट है। तो अंधेरे के अंदर शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। आज असल में काम शाम हो रहा था हमारे फार्म पे पानी वाले पंप का, तो खैर बोर दोबारा बनाने का प्रोग्राम हो गया इनका, तो उसकी वजह से हमने पंप की थोड़ी पोजिशन भी चेंज होगी। तो उस चक्कर में ना ये सारा पीछे जो गंद पड़ा हुआ ना, ये सारा गंद इस चक्कर में पड़ा है। तो ये चेन कुकी वगैरह लगी है, इसके थ्रू इन्होंने बोर किया है, ये बाकी सामान है, और ये सारा राशि जो पड़ा हुआ है ना चीज़ों का, ये पड़ा हुआ है उसकी वजह से। तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये जितना भर सके थे पहले ख़राब होने से पहले उसके पंप के, उतना भर लिया था। दूसरा छोटा पाइप इसमें चला के छोड़ा हुआ है इन्होंने, तो उससे अब वो 500 साल में ही भरेगा। लेकिन अब ये बोर हमारा चालू हो जाता ना जब पंप, तो उसकी स्पीड है काफ़ी तेज़, तो उससे ज़रा टाइमली बढ़ जाएगा ऑन करके। तो ये पाइप छोटे वाला छोड़ा हुआ अंदर, और ये अपना वो जो आइटम की इन्होंने पंप लगा के वो है। तो ये हमारी बत्तखें एंजॉय कर रही हैं, फ्लेमिंगोज एंजॉय कर रहे हैं, और मछलियां अंदर ही हैं। कल मैंने देखा काफ़ी नुकसान हो गया मछलियों का, मैं आया नहीं, और लेकिन जिस दिन मैं ना हूँ उस दिन तो मैं ज़रूर ब्लॉग देख लेता था, फार्म की अपडेट मुझे मिल जाती होती है। तो वो तो बेचारे हो गए शहीद मछलियाँ, अभी शायद और मछलियाँ लेके आएंगे कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में, बल्कि नियत कर लेते हैं फिर उसके काफ़ी टाइम बाद ना बाकी चीज़ें आती हैं हमारी। तो ये पिंजरे पता नहीं कब इनकी सुनी जाएगी, इसके आगे फ्रेम लगेंगे, तो बाकी घर से जानवर लाने वाले हम बनेंगे। तो ये हमारा जो एक पेड़ हमने लगाया था वो भी चिल कर रहा अपना बैठ के। ये बोर शोर के चक्कर में सारी जगह गीली हुई भी है, आगे जाने की मैंने कोशिश की है तो मैं धस गया हूँ ज़मीन के अंदर, तो यहीं से मैंने वापस यू टर्न मार लेना है। मैंने सोचा था लाइट वगैरह चला के ज़रा करीब से बाकी मुर्गियाँ भी देखें, लेकिन खैर कल से ही ये आज ज़रा काम मुश्किल हुआ है। इस अभी इनको ना इनका सामान ही नहीं पूरा हो रहा सबका, कभी कोई चीज़ रह जाती है कभी कोई चीज़ रह जाती है, ये अपना खेलने लगे हुए हैं। कबूतर बन नहीं गई अभी तक, वीर यार कबूतर बंद कर दे, बिल्लियां पै जानी इनू, वीर कबूतर बंद कर दे। वो एक आया सी थल्ले मैं घेरिया उधर, हूँ पता नहीं किधर गया। ये जी हमारे गोली बिल्ली, टांग इसकी सेट हो गई मेरे ख्याल से, जख्म जुखम सेट हो गया इसका, अब ये चल फिर रही है सही तरह। ये आयरन डार्लिंग आयरन माशाल्लाह, आयरन के बाद ये रही स्पॉइडी, स्पॉइडी इज अ गुड गर्ल। और दो उधर है, उधर कौन कौन, ये उधर मेरे ख्याल से शुगर और रहना है। ये हमारे सुरखाब जो हैं इधर, इनको इतनी दूर इन्होंने डाला डाला है, पता नहीं आके खाते भी हैं कि नहीं, लेकिन लग तो बड़े खूबसूरत रहे हैं। असल में खुला पिंजरा इनका बनाने का मकसद ही ये था हमारा कि ये परशर इनके ना ख़राब हो, लेकिन उल्टा ये बाहर आके ना ऊपर छलांगे मारते हैं, ये पिंजरे के आदि होंगे तो ज़रा सेट होएगा काम। ये हमारी कुंडी नहीं लगी है भाई, कुंडी नहीं लगी, ये बड़ा अच्छा काम हो गया है। और ये हमारी चिकोरे बंद हुई नहीं है क्योंकि मगरब टाइम ये वो खुद ही अंदर चले जाती हैं, फिर हम इनको बंद छंद कर देते हैं। हमने किया ये था कि ये अंदर फ्रेम लगा के ना जाली का वहाँ से निकाल दिया था, अब सुरखाबों के पास ये सिस्टम है कि जब इन्हें शेड में जाना अंदर चल जाएं, नहीं तो बाहर फिर ना बाहर पीते रहें, और ये तो वैसे ही खुली पीती रहती है सारा दिन। तो ये कबूतर सारे हमारे अंदर चले गए हैं, और मोर भी अंदर जाके बांस पे बैठे हैं। खैर बाकी सारी सूरत हाल ये है कि गंद पड़ गया है, सारा कुछ बनाते बनाते वो रेत का भी गंद पड़ा हुआ है,
इनकी पैकेटों का, चीज़ों का, तारों का, हर चीज़ का इन्होंने रश डाला हुआ है। ये इंशाल्लाह ये अब निकलते हैं यहाँ से, तो फिर कल इंशाल्लाह ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा उम्मीद है, क्योंकि सफाई हम टाइम से ही करा लेते हैं, हमें बड़ी चेड़ होती है जगह गंदी हो तो इसलिए ना। पहले वहाँ पे होता था कॉर्नर में बोर ना, वहाँ से अंदर आते थे तो वो रास्ते में बंदा ना तंग पड़ता था के सामने, अब वो रास्ता हमारा फ्री हो गया और इधर बोर किया इन्होंने। मैंने तो कहा था थोड़ा दरवाजे से हटवा कर देते, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे औजार से इतना नहीं चलेंगे ये वो, तो इस चक्कर में उन्होंने उधर ही बोर कर दिया। हेलो तो जो मैं पहुंच गया हूँ इधर, लेट पहुँचा हूँ, आज मैं काम से गया हुआ था। उज़ैर को पहले मैंने कहा यार आज जो है ना अगला पार्ट जो भी बनाना है ना वो तो बना ले, लेकिन उज़ैर जो है ना इसको आज तक मोबाइल पकड़ना आया है। तो गाइस बहुत सारा काम करने के बाद ना न्यारी साहब फुल तैयार खड़े हैं, इनको भी आयरन ने पढ़ना है। नहीं आयरन सच इधर है, आज नहीं पड़ेगा यार, हमारे गंद बला कर दिया, अच्छा खासा फार्म था कल, अच्छा हमारा साफ रह ही नहीं सकता। खैर उन्होंने जो है ना, हाँ यार वैसे आपस की बात है, फिर वैसे ही लग रहा है ऊपर से। नहीं नहीं कल आकर देखिए, कल क्लियर हो जाएगा। ये इसके अंदर पानी भर दिया है नए पंप से, और पंप हमारा वहाँ पर लग गया है। अब एंट्रेंस में जो है ना वो तार बुर पाइप वाला मसला था ना, वो भी नज़र आया करेगा। तो मेरा ख्याल है आज जो है ना हम लोग ब्लॉग को इधर ही एंड कर रहे हैं। आज होगा तो छोटा, लेकिन कोई नहीं, आज जो है ना लोगों को काम जो है ना बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये लोग अब नहीं बड़ी बात खेल, पानी में क्यों नहीं खेलते, पता नहीं उनका, उनको गाइड करने वाला उनका सरबरा नहीं ना है। न्याजी कह रहा सारी फीमेल हैं, हमने वैसे मुझे भी ऐसे ही लग रहा था सारी फीमेल हैं। यहाँ से चोंच वाला ऐसा इस तरह उठा होता ऊपर को, हाँ थोड़ी सी बनी होती है, लेकिन उनकी वाली बत्तों की क्वालिटी देखी कैसी होती है, हमारी तो क्वालिटी भी पूरी पूरी होती पाकिस्तान में। यार वो जो हमारी पहले वाला जो पेयर आया हुआ था ना बड़े, जो हमने लानी है ना, वो जो लानी है वो है। हाँ नहीं अब कल का क्या प्रोग्राम है तुम लोगों का? कल पहले तो भी हमारे आने से पहले सफाई कर ले। मैंने तो घर साफ करा। न्याजी की कल छुट्टी है? न्याजी की तो छुट्टी होनी है, वो आज आ नहीं गया। कल क्या करना है इधर आके? हमने कल आके हम लोगों ने एक तो वो उसका हिसाब लगाना है, वो तुम कह रहे थे चिराग, वो मैं आता हुआ देखाऊंगा, अगर समझ आता हुआ तो ले ही आई। ये कमेटी ना दे रहा मेरी कमेटी, तुझे मिल जानी आज, दो हो गई है, तीन पांच को मिल जानी तुझे। हां अपने पास से पैसे खर्च ना, कमेटी भी आएगा उसको वापस लाएंगे, मतलब खुद से उधार ले लूं। कल हमारे पास करने वाला कुछ नहीं, कल तुमने वो कल उसकी जो है ना, कल वो जो उनका घर है उसी सीजेंट का, उसकी डेकोरेशन करो। हाँ उसकी करनी चाहिए, नहीं अभी तुम्हें आना चाहिए इस बंदे को नाम दे। मैंने बहुत उसकी उसकी डेकोरेशन करो, कुछ जो मैं कल आता हुआ ले आऊँगा, उनको फिट करो, फिर हम उसके एक आधे दिन बाद जाके जो है ना तोते ले आएंगे। क्या क्या छोटे हाँ पूछी जरा इससे, जब वो डंडे के साथ उन्हें वो घर लगाने तो कुछ हम लोगों ने के लिए लगाने हैं। तो गाइस बातें होती रहेंगी, अब हम चलते हैं। ओके जी मिलते हैं इंशाल्लाह कल अगले ब्लॉग के अंदर। आज जो है हमें कम बर्दाश्त करना पड़ा है, कल हम लंबा ब्लॉग बनाएंगे, ज्यादा बर्दाश्त करना पड़े। कल जुमेरात है, कल आधा पार्ट आएगा, परसों वाला पार्ट आएगा।